सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी में जो हम डेली टारगेट दे रहे हैं 100 डेज के प्लान में, आज उसके 16वें दिन आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। तो दोस्तों ये चैप्टर भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि ये बड़ा चैप्टर है तो इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस लिहाज से आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार ज़रा ठीक से समझ लीजिए कि कैसे इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क परिवहन की, रोड ट्रांसपोर्ट की, जिसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि सड़कें कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि कुछ सड़कें नेशनल हाईवे होती हैं, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे आप कहते हैं, कुछ स्टेट हाईवे यानी कि राज्य राजमार्ग, तीसरे होती हैं जिला सड़कें, और इसके अलावा नगर निगम की भी कुछ सड़कें होती हैं। तो कई टाइप की सड़कें होती हैं जिसमें आपको मेन तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को समझना है। इनके जो इनकी रखरखाव से लेकर और कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आपको एक बार समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। और जो इनके माइलस्टोन होते हैं उनके कलर भी डिफरेंट होते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब की बार जब आप जाइएगा हाईवे पर तो ये देखिएगा कि जो माइलस्टोन लगे हुए हैं वो किस कलर के हैं, यदि येलो कलर के हैं या ग्रीन कलर के हैं। येलो कलर के जो माइलस्टोन होते हैं वो नेशनल हाईवे होते हैं और ग्रीन कलर के स्टेट हाईवे होते हैं। तो ये एक चीज़ है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो बुक में नहीं लिखी हैं। तो इसी तरीके से अब इसमें आपको क्या क्या याद करना है, तो चार सबसे लंबे नेशनल हाईवे आप तैयार कर लीजिए, कौन कौन से हैं ये क्रम पूछा गया है कई बार, है ना। इसके अलावा NH1 से लेकर, और यानी कि नेशनल हाईवे 1 से लेकर नेशनल हाईवे 8 तक, ये आपको दोस्तों तैयार करना है। ओके, तो कैसे तैयार करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करिए, जो आप इंडिया का नक्शा बना के, ठीक है, आप नक्शा बना के तो इसको आप जैसे 1 के बाद 2 कहाँ से जा रहा है, ठीक है, 3 4 5 6, तो इसको आप ना एक मैप बना कर अपने हाथ से बनाइएगा। मैप मैंने एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैप आप अपने हाथ से बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे NH1, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता है। लेंथ वेंथ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप चार लंबे नेशनल हाईवे यहाँ पढ़ चुके हैं, नेशनल हाईवे 2, ठीक है। तो आप मैप के अपने आप बनाइए 1, ठीक है, फिर 2 7, ये हो गया, तो 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, 5 कौन सा है, 6 कौन सा है, 7 कौन सा है, 8 तक आपको याद करने हैं, कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ ख़त्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ आज आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, अपने हाथ से बनाएंगे, 8 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। किताब में देने को तो बहुत सारे दिए, लेकिन आपको केवल 1 से लेकर 8 तक तैयार करने हैं, खासतौर से 2 से लेकर 8 तक, या यूँ कहें 7 तक। इसमें आपको क्या तैयार करना है, इसमें ये भी आपको तैयार करना है कि इन नेशनल हाईवे पर कौन कौन से शहर हैं, क्योंकि कई बार इस तरीके के सवाल भी पूछे गए हैं। इसलिए केवल मैं आपको, इसलिए नहीं मैं आपको मैप बनवा रहा हूँ कि आप जो है केवल मैप से आपको एक तो याद करना आसान रहेगा, और प्लस ये भी आपको आइडिया लग जाएगा यदि मैप से आपने नेशनल हाईवे याद किया है कि कौन सा शहर पॉसिबल है। तो एक बार खुद एटलस उठा के आप जो है उस नेशनल हाईवेज को देख लीजिए कि कौन कौन से बड़े बड़े शहर जो है उन नेशनल हाईवे पर स्थित हैं। ओके, तो जब आप कभी खुद भी घूमने जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार हमने बुक में पढ़ा था और देखिए ये नेशनल हाईवे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का ये टॉपिक नेशनल हाईवे 1 से लेकर नेशनल हाईवे 8 तक का, इसलिए आज की ये जो हमारा पूरा टॉपिक है ये बेसिकली मैप बेस्ड है, है ना। इसके अलावा सबसे छोटा नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, और इन पर मैंने जैसे कहा इन पर जो पढ़ने वाले सबसे बड़े शहर हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, ये इसकी स्थापना कब हुई, इसका क्या काम है। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHIA, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए, यहाँ लिखा नहीं मैं फिर भी लिख देता हूँ इसको, NHIA, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है,
इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पढ़नी है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, कहाँ से कहाँ तक है स्वर्णिम चतुर्भुज, ओके, इसको भी मैप से आप तैयार करेंगे। इसके अलावा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, तो उत्तर ये जो गलियारा है, अब ये भी सवाल आया है कि ये दोनों कहाँ काटते हैं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, भाई कहीं तो काटेंगे, तो वो कौन सी जगह जहाँ काटते हैं, झांसी, ये सवाल कई बार आया दोस्तों, झांसी में काटते हैं दोनों, तो इसको जो है इसको भी आप मैप से तैयार करेंगे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, ये सब आप जो है वो मैप से करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के बारे में भी आप तैयार कर लीजिए। तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, लेकिन होगा मैप से, मैप से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट की, तो रेल जोन्स हैं 17 हैं, तो इसको कैसे तैयार करना है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आप तैयार कर सकते हो, है ना। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक बड़ा सा मैप ये बना लीजिए इस तरीके का, ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके, और यहाँ पर लिख लीजिए कि कौन कौन से आपके जो है पूर्वी, मतलब पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे किस कहाँ कहाँ पर है, तो इस तरीके से आप बना लीजिए। उसके बाद जो है इनके ये सेंटर पॉइंट हो गए, यानी कि नॉर्थ सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, इनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है, यहाँ लिख भी लीजिए ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, ठीक है। इसके अलावा इस तरीके से आप बना लीजिए नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, तो आप ना एक एक वो बना लीजिए टेबल से, मतलब वो टेबल क्या, मतलब एक उससे बना लीजिए चार टाइप का डायग्राम टाइप का, तो जिससे आपको आसानी रहेगी, समझ गए ना मेरी बात कि कैसे बनाना है आपको। तो पहले ये चारों पॉइंट, उसके बाद ये चारों पॉइंट, उसके बाद इन चारों के सेंट्रल पॉइंट यहीं लिख लीजिए, यहाँ आपको सुविधा रहेगी कि यहाँ लिख लीजिए इसका सेंटर कौन सा है, इसका सेंटर कौन सा है। तो आपके ये हो गए 8, तो यही हो गए 8 4 12 12 आपके तैयार हो गए। कुछ के सेंट्रल मतलब कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो कईयों में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी है, तो वो आप यहाँ लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। यानी कि यदि वेस्ट सेंट्रल लिख रहे हैं तो यहाँ लिख लीजिए, ईस्ट सेंट्रल लिख रहे हैं तो यहाँ लिख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल लिख रहे हैं तो यहाँ लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है एक डायग्राम बना लीजिए, एक ही डायग्राम से आपके याद हो जाएंगे आपको। तो मैप से आप बनाएंगे, मैप बना के इस तरह से मैप से तैयार करेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी रहेगी इनको याद करने में। तो इस तरह से आज आप तैयार करिएगा दोस्तों, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग है, 17 हैं तो बहुत दिक्कत होती है याद करने में। तो इस तरह से याद करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको याद कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोंकण रेलवे के बारे में पढ़ लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक ये जाती है, सवाल चूँकि आ चुका है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और मेरा मानना है कि एक बार अपनी लाइफ में कोंकण रेलवे में भी ज़रूर बैठी है, मतलब बहुत ही रोमांचक सफ़र होता है कोंकण रेलवे का। इसके अलावा मेट्रो रेलवे के बारे में जान लीजिए, सबसे पहले मेट्रो कहाँ से आई, कहाँ पर आई, उसके बाद दिल्ली मेट्रो, उसके बाद जो यूपी में है, जैसे यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी में कौन कौन से जो है शहरों में मेट्रो आ रही है, तो वो सारे सवाल जो हैं वो आप तैयार कर लीजिएगा। बुलेट ट्रेन क्या है, सवाल आ चुका है। अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों के बारे में भी पढ़ लें, जैसे वंदे भारत है या और भी कोई, जैसे राजधानी है, शताब्दी है, ठीक है, और पैलेस ऑन व्हील्स है, महाराजा है, तो ये बड़ी बड़ी जो महत्वपूर्ण ट्रेन है उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिए। तो ये केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी नॉलेज आपको बेसिकली होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ट्रेनें वाकई भारत का गौरव हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें याद करनी है, जैसे सबसे अधिक लंबी दूरी कौन तय करती है, है ना, मतलब डिस्टेंस वाइज सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, लेंथ के हिसाब से, अपनी लेंथ के हिसाब से। इसके अलावा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो इस तरीके के सवाल जो है, जैसे सबसे पहली प्रथम रेल बस सेवा कहाँ शुरू हुई, और भी जैसे मैत्री एक्सप्रेस मतलब ऐसी रेल है जो दो कंट्रीज़ के बीच में, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, तो इस तरीके के जो ट्रेनें चलती हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दिया है मैत्री एक्सप्रेस का। इसके अलावा आजकल आप देख रहे होंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो है रेलवे का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से रेलवे
का विकास हो रहा है उसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हम, फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट को जनरली हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, तो एग्ज़ामिनर जो है ना वो अक्सर करके वहाँ से सवाल बना देता है जहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ से क्या पूछेगा। चूँकि नॉर्थ ईस्ट में सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है, ओके, हर तरह से नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर रेलवे के किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है तो वो सब चीज़ें आप तैयार करेंगे दोस्तों। तो आज रेलों के बारे में आप बहुत सारी बातें जानेंगे। इसके अलावा जो कारखाने हैं, जैसे लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव कारखाने, तो ये सब भी आपको एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लेने हैं दोस्तों कि कौन कौन सा कारखाना कहाँ पर है, क्योंकि ये कई बार ये सवाल आया है। तो आज हम सिर्फ सड़क और रेलवे कर रहे हैं, और दोनों ही टॉपिक बहुत बड़े हैं, और ये बहुत प्लानिंग से आप तैयार करेंगे तो आज पूरा कर ले जाएंगे। तो इसलिए कल का टारगेट मैं ज्योग्राफी का थोड़ा सा छोटा रखूँगा, क्योंकि यदि आज का हमारा कुछ रह गया तो कल हम उसे पूरा तैयार कर लेंगे। लेकिन फिर भी यदि आपने प्लानिंग से काम किया और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे किया, तो संभव है कि आप 2 से 3 घंटे के अंदर आज का ये टारगेट पूरा कर लेंगे दोस्तों। तो इसी आशा और शुभकामना के साथ कि आप जो है अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगे हुए होंगे, और एक दिन आप इसे जरूर प्राप्त कर लेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।